हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईआरए। आज हम जो कर रहे थे बच्चे, आज हमने बताया कि आप हम कर रहे हैं डाउट सेशन। ठीक है, अब डाउट सेशन जो है वो है आपका चैप्टर नंबर, आपका जितना भी एनिमल फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी का पहला दैट इज चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सा बच्चे आपका? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात कर रहे थे हम। आप जरा ध्यान से सुनो, इस चैप्टर में बच्चों ने बहुत सारे डाउट भेजे हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये आपके डाउट्स हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी भेजे हैं। जो इजी क्वेश्चन है वो हल्के से ट्रिकी है तुम्हारे, है ना। उसमें तुम अगर रेगुलर दिमाग लगा रहे हो, एक छोटा सा ट्रिक भूल जा रहे हो जो हमने सिखाया था वहां पे, है ना। जब हम क्या कर रहे थे आपका, जब आपका मेन, जब आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, तब हमने कुछ बातें बताई थी कि यहाँ पे ये चीज ऐसे ऑब्वियस लग रही है, बट ऐसे ऑब्वियस ना हो के ये ऐसे होती है विद लॉजिक, है ना। तो वो चीजें तुम मिस कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो एक बार चैप्टर को, ठीक है। फिर आप देखते हैं, देखो सबसे पहला जो रहेगा दैट विल बी आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया है, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में बोलेंगे तो हमने क्या बोला कि आपका यहाँ पे जरा ध्यान से सुनो, थीम जो है, ओके, आप हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में क्या बोला तुमने बताओ जरा। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में बोला तुमने कि देखो हीमोग्लोबिन क्या तुम्हारा रेस्पायरेटरी पिगमेंट है? बिल्कुल है। अब रेस्पायरेटरी पिगमेंट में तुमने बोला था कि हीमोग्लोबिन के बारे में कि आपके पास दो अल्फा चेन है और दो तुम्हारी बीटा चेन है, ऐसे करके तुमने स्ट्रक्चर बनाया था। और इसको तुमने बोला था इट इज ए ग्लोब्यूलर, क्या है तुम्हारा, एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन है, यही बोला था तुमने। मैंने तो बोला नहीं, है ना, तुम लोग ही बोल रहे थे कि भाई अल्फा जो है वो एक आपकी स्ट्रेट चेन है, बीटा भी आपकी चेन है, और दो बीटा है और आपके पास क्या है, दो अल्फा है। फिर हमने पूछा था कि ऑक्सीजन किससे कंबाइन होगी, ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है बच्चे आपके आयरन ग्रुप से, किससे कंबाइन हो रही है, आयरन के ग्रुप से। हमने पूछा था कि कितने आयरन ऐसे फ्री हैं एक ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर, बताओ। तो कितने आयरन फ्री थे आपके, एक आयरन फ्री था एक पर्टिकुलर चेन के ऊपर। तो आप काउंट कर लो यहां से कि कितने आयरन के ऊपर कितना ऑक्सीजन जो हो वो कंबाइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कौन होगा, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे कौन होगा, है ना। तो टोटल काउंट करो कितने हो गए, फोर हो गए ना। तो आपका यही आपका आंसर है। देखो जरा क्या है आपका, आपका ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ कितने, फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ, कितने कैरी कर सकता है, फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, पक्का। नहीं, मिनिमम टू का कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सी, आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट टिश्यू लेवल लिबरेट ऑक्सीजन टू द सेल बिकॉज, अरे भाई ये तो एक्सचेंज का आपका क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें आप क्या बोल रहे हो कि देखो आपका जो क्वेश्चन है दैट विल बी आपका कि ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, किसके ऊपर, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के ऊपर जब आप बात करते हो, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द टिश्यू लेवल लिबरेट ऑक्सीजन टू सेल्स, लिबरेट ऑक्सीजन टू सेल्स। यहां पे हमने क्या पढ़ा था, ये देखो यहां पे हमने बताया था कि आपका एक एल्वियोलाई है, क्या है तुम्हारा एक, उसके पास जो तुम्हारी जा रही है दैट विल बी योर क्या जा रही है, ब्लड कैपिलरी, उसके साथ तुम्हारे क्या है यहाँ पे पर्टिकुलर टिश्यूज लगे हुए हैं। तुमने बोला था कि यहाँ पे जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आएगा, वाया आर्टरी आ रहा है टिश्यू के पास, तो यहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन करके क्या दे रहा था, एक देगा हीमोग्लोबिन एक देगा ऑक्सीजन,
अब ये ऑक्सीजन लिबरेशन हो गई, इसके बारे में पूछ रहा है। यहां पे आपका क्या था, यहां पे हम बोल रहे थे बोहर्स इफेक्ट, क्या बोल रहे थे, यही बोल रहे थे ना। तो क्वेश्चन बोहर इफेक्ट का ही है, बस स्टेटमेंट को क्या कर दिया, घुमा दिया, साथ साथ घूमना नहीं है तुमने, ठीक है। देखो अब क्या बोल दिया कि ड्यूरिंग द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन ऑक्सीजन टू द सेल्स बिकॉज ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इज हाई और CO2 कंसेंट्रेशन इज लो। क्या इन टिश्यूज के ऊपर तुम्हारा ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन हाई होता है? अगर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन हाई होगा तो इन्हें ब्लड से ऑक्सीजन लेने की जरूरत क्या है, अपना ऑक्सीजन यही काम चला लेंगे, तो ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं ना, पक्का, कोई दिक्कत परेशानी? तो ये तो कॉमन सेंस बात है। उसके बाद दूसरा आता है ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इज लो एंड CO2 इज हाई। क्या यहां पे ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन लो होगी, इसीलिए तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर आपका क्या है 95 mmHg, यहां पे पार्शियल प्रेशर क्या था 40 mmHg। तो यहां हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा कोई ना कोई गैस ट्रांसपोर्ट, पक्का क्या होगा आपका, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा कोई ना कोई गैस ट्रांसपोर्ट रहेगा, पक्का। तो आपका ऐसे ही यहाँ पे CO2 था, वो हेल्डेन इफेक्ट था, उसके बारे में भी क्वेश्चन मिलेगा, पक्का देख लेना। आप देखो जरा ध्यान से सुनो, आपका नेक्स्ट है तो यहाँ पे क्या आ गया, आंसर क्या आ गया बच्चे इसका, ये आ गया ऑप्शन, ठीक है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इज लो एंड CO2 कंसेंट्रेशन इज। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपका ऑक्सीजन एक्सचेंज विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस टेक्स प्लेस इन। अब ये जो था, ये क्वेश्चन जो है, ये ऐसे की ऐसे एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में डिट्टो की डिट्टो लाइन दी गई है तुम्हारी ये, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या दी गई है तुम्हारी, डिट्टो लाइनिंग है ऐसे की ऐसे। अब इस लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कैसे आएगा? वैसे चलो बता देता हूं, एनिमल किंगडम हमने नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत तुम्हें याद होगा कि आपके स्पंजेस जो थे वो आपका सिंपल वाला ऑर्गेनिज्म था, क्या था तुम्हारा, सिंपल ऑर्गेनिज्म थे जिसके अंदर ऐसे एक अपरकुलम मिल रहा था और ओशन की उसमें ससाइल एनिमल मिल रहे थे ऐसे ये। अब इसके ऊपर एक अपरकुलम होती है, बॉडी सरफेस से क्या लेता है, वाटर का इनटेक करता है और वाटर के साथ ही फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ वहीं से लेगा, याद आया। तो बॉडी सरफेस से क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। अगले आगे तुम्हारे सीलेंट्रेट्स, अगले आगे तुम्हारे फ्लैटवर्म्स, प्लैटीएलमिंथीज है ना, तुम्हारे लीवर फ्लूक हो गया, तुम्हारा टेप वॉर्म हो गया। टेप वॉर्म में कौन से आपके स्पेशल ऑर्गन होते हैं, नहीं होते ना, आपके रेस्पिरेशन के लिए आपको क्या मिलेगा, बॉडी सरफेस मिलती है, वहीं पे आपका सारा का सारा रीअब्सॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो आपका फ्लैट वॉर्म भी है, सीलेंट्रेट्स भी है और स्पंजिस, तीनों आपके सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं और सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो टेक प्लेस होता है वाया बॉडी सरफेस, किससे होगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, कौन सा, ऑल ऑफ द अबो, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे ये, ऐसे कैसे, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलो जरा ध्यान से सुनो, नेक्स्ट जो है वो आएगा आपका ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स, अरे भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट के साथ मत घूमो, फिर से बोल रहा हूं, स्टेटमेंट के साथ मत घूमो, स्टेटमेंट में सिर्फ हिंट्स ढूंढा करो, तुमसे पूछा क्या गया, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमसे पूछा क्या गया है। अब ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स ब्लैंक ड्यूरिंग विच एटमोस्फेरिक प्रेशर इज ड्रोन इन एंड ब्लैंक बाय विच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट, है ना। अब एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट की बात कर रहे हैं हम, और दूसरे में बात कर रहे हैं एटमोस्फेरिक एयर के ड्रोन इन की, ठीक है। तो एक में क्या हो रहा है, अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो रही होगी वो भी मेरे को पता है। देखो यहां पे इंग्लिश ढंग से नहीं पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा थोड़ा इंग्लिश भी ध्यान से पढ़ो भाई, उसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि आपका एटमोस्फेरिक एयर को ड्रोन इन कर लिया, मतलब आपको डाउन नहीं किया, ड्रोन का मतलब आपका खींचना होता है, डाउन का मतलब नीचे करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद एल्वियोलर एयर जो है उसको रिलीज आउट किया गया, तो सिंपल प्रोसेस है ना, एल्वियोलर एयर सैक्स हैं, उनको वो जब क्या करेंगे, क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो एयर क्या आ रहा है, पक्का। तो एयर बाहर आ रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपिरेशन, क्या बोल रहे हैं, इनहेलेशन और एक्सपिरेशन, एक्सहेलेशन, या तो एक्सपिरेशन बोल देते हैं या एक्सहेलेशन बोल देते हैं, यही बोलते हैं।
तो इनमें से क्या आया गया है? ओस्मोसिस। क्या है कुछ ऐसा? ओस्मोसिस तो वाटर की होती है, गैसेस की ओस्मोसिस होती है? नहीं होती। उसके बाद इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन तो आपका क्या होता है, बाहर की एयर को अंदर खींचना। अगला डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जरूर होती है, बट एल्वियोलर एयर का रिलीज आउट नहीं होता। तो बच गया कौन? एक्सपायरेशन, यही बचा ना। तो आपका क्या हो गया, एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। ये क्वेश्चन साइंस का था ही नहीं, ये क्वेश्चन इंग्लिश का था। ठीक है, चलो अब इफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एनक्लोज्ड इन ए रूम, एक क्या हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल एनक्लोज हो रहे हैं, देन आपका क्या होगा, आप रूम में, हम यहाँ पे कितने बच्चे बैठे, पटा 50 बच्चे बैठे मान लो, ठीक है। अब इनकी जब 50 बच्चे बैठे हैं एक ही रूम के अंदर, तो वहां की वो क्या कर रहे होंगे, सारे इनहेल कर रहे होंगे, सारे एक्सहेल कर रहे होंगे। जब वो सारे इनहेल करते हैं तो आपका क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे ना, तो सारे सारा ये तो है नहीं कि ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी कर रहा हूं, ये तो है नहीं, तो आपका सारे के सारे क्या करेंगे, आपका ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खींचेंगे, नहीं सॉरी बाहर भेजेंगे, ठीक है, सारे यही करेंगे। तो रूम की एयर में अगर कोई वेंटिलेशन नहीं हुआ तो रूम की एयर में क्या फर्क पड़ेगा, क्या आपका सारे क्या कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड को भेज रहे हैं ना, तो आपका ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड CO2 लेवल क्या हो जाएगा। इसने ना वेंटिलेशन का दिया ना कुछ दिया, सिंपल दिया है कि एनक्लोज्ड इन रूम। ओके, तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो जाएगा, अगर इसी इसी स्टेट ये स्टेटमेंट तुम्हारी, ये क्वेश्चन तुम्हारा PYQ है बेसिकली, लेकिन उसमें इतने सिंपल ऑप्शन नहीं दिए उन्होंने, उन्होंने जो है ना इसका लेके चले गए थे पार्शियल प्रेशर कॉन्सेप्ट के ऊपर। किसके ऊपर लेके चले गए थे, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे पूछ लिया गया था और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पार्शियल प्रेशर किसका इंक्रीज होगा और किसका डिक्रीज होगा, है ना। तो किसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा, किसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, आपका ऑक्सीजन का। पार्शियल प्रेशर क्या होता है तुम्हें, इसके इस बात के लिए तुम्हें पता होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, बाहर का ज्यादा है अंदर का कम, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है, तभी तो अंदर आएगा, ठीक है, वो बात मान लिया, लेकिन व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि आपकी एयर है ना बच्चे, एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस हैं, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रो डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन फलाना ढिमकाना एटसेट्रा सब कुछ। अब ये सारे गैसेस जो हैं, इन सब का प्रेशर जो है वो एक एटमोस्फेरिक प्रेशर है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ऑक्सीजन का प्रेशर, तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया। सिर्फ एक CO2 का प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो गया, ठीक है। तो वो सब आपको क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी, तो सेम वे में आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब सुनो, टोटल नंबर ऑफ लोब्स एंड एल्वियोलाई प्रेजेंट इन द लंग्स ऑफ मैन आर, ये बच्चे आपका फिर से NCERT की लाइन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऐसे कि ऐसे उठ के ये जो संख्या है वो आपको 500 to 300 मिलियंस आपको दी गई है, किसके अंदर, NCERT के अंदर दी गई है। इसको थोड़ा NCERT की लाइंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ओके। चलो, Which of the following combines irreversibly with blood hemoglobin? इन्होंने पूछा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो। इन्होंने बोला कि कौन सा आपका इरिवर्सिबली ग्रो करता है, कौन सा आपका क्या है जो गैस है वो इरिवर्सिबल अटैच हो जाता है। हमने बोला था कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है, तुमने मान भी लिया था, मैंने बोल भी दिया था कि हाँ बना रही है,
अब फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीहीमोग्लोबिन से आपका क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और हीमोग्लोबिन फिर से अलग हो जाता है एट टिश्यू लेवल पे। तो ये तो रिवर्सिबल बन गया ना, है ना। सेम वे तुम्हारा किसका था, CO2 प्लस HB मिलके क्या बना रहे थे, कार्ब अमीनो HB बना रहे थे। तो यहां से भी आपका वापस टूट जाता है ना, CO2 प्लस HB में एट लंग्स, कहां पे, लंग्स के ऊपर क्या हो गया तुम्हारा, CO2 प्लस HB अलग से टूट गया फिर से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। तो अब ये दोनों मॉलिक्यूल तो टूट गए, मतलब CO2 भी आपका रिवर्सिबल बना रही है, ऑक्सीजन भी आपका इरिवर्सिबल बना रही है। तो आपका इरिवर्सिबल कौन बना रहा है, ऑप्शन देखते हैं। ऑक्सीजन रिजेक्ट हो गया, CO2 पहले ही रिजेक्ट हो गया, दूसरा तीसरा है SO2, एंड चौथा ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या सल्फर तुम्हारी बॉडी में जाएगा भी, जाएगा ही नहीं, डिफ्यूज आउट ही नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन के साथ कैसे अटैच होगा, होगा ही नहीं। तो बच गया कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तब हम बता रहे थे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपकी पॉइजनिंग करती है, ठीक है। दैट इज CO जो है उसकी एक पॉइजनिंग होती है, जिसमें आपका क्या बोल रहे थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2, जब आपका कंबाइन, सॉरी, पार कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपका हीमोग्लोबिन जब आपका अटैच होता है, तो वो बना जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है तुम्हारा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को हमने बताया था कि वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता तुम्हारा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो ही नहीं पाता है, पक्का। तो आपका इसका आंसर क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगला है क्लोराइड शिफ्ट अकर इन रिस्पोंड टू, क्या तुम्हारे ब्लड में के पॉजिटिव मिलता है, क्या तुम्हारे ब्लड में एच पॉजिटिव मिलता है, मिलता है आपका, क्या तुम्हारे ब्लड में एन पॉजिटिव मिलता है, सोडियम। तुम्हारे ब्लड का सबसे प्राइमरी कटायन ही है सोडियम है, दूसरा आपका पोटाशियम है। क्या तुम्हारे ब्लड में HCO3 नेगेटिव मिलता है, वैसे तो ये क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए तुम्हारा। कैसे, देखो, अगर जरा ध्यान से सुनो तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका, आपसे क्लोराइड शिफ्ट पूछा गया है ना, तो क्लोराइड शिफ्ट जो होगा वो Cl एक आपका इलेक्ट्रोलाइट है, तो Cl इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव का होता है कि नेगेटिव का, मतलब Cl जब वो आयनिक फॉर्म में आएगा तो वो पॉजिटिव फॉर्म में आएगा कि नेगेटिव फॉर्म में, वो कटायन बनेगा या अनायन बनाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव फॉर्म में आएगा तो वो कटायन बनाएगा कि अनायन बनाएगा, हाँ। तो Cl क्या होता है, Cl नेगेटिव प्लस आपके क्या होते हैं, Cl नेगेटिव में आ जाता है। तो नेगेटिव, जब आप आयनिक क्लोराइड शिफ्ट कब होती है, क्लोराइड शिफ्ट होती है आपकी ओस्मो रेगुलेशन के केसेस में। क्या है तुम्हारा, ओस्मो रेगुलेशन के केसेस में। तो आपका ओस्मो रेगुलेशन के केस के लिए तुम क्या करते हो कि RBC जो है वो आपकी क्लोराइड को अंदर ले लेती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो ऐसे ही हो जाना चाहिए ना, यहां से कोई नेगेटिव चार्ज ही निकला होगा ना, तभी तो नेगेटिव चार्ज को अंदर भर रही है। सो सिंपल इज दैट, है ना। वो तो आपका क्वेश्चन और देख लो, अब नेगेटिव चार्ज का कौन है, HCO3। क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाना चाहिए था, आगे तो ऑप्शन देखना ही नहीं था, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देखना था तुम्हारा। वैसे क्लोराइड शिफ्ट आपका किसकी वजह से होता है, HCO3 नेगेटिव की वजह से ही होता है, ठीक है। HCO3 नेगेटिव बनता है ब्लड में और वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज आउट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जब बात हम करते हैं, तो बताओ
व्हिच सिचुएशन वुड रिजल्ट इन द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ ओ टू सिचुएशन फॉर ऑक्सीहीमोग्लोबिन इफ PO2 रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अगर क्या हो तुम्हारा आपका, अगर PO2 कॉन्स्टेंट हो जाए, क्या हो गया तुम्हारा PO2 कॉन्स्टेंट हो गया. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया तुम्हारा, कॉन्स्टेंट हो गया. तो क्या होगा, क्या आपका ग्रेट डिग्री ऑफ ओ2 सिचुएशन क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ क्या सिचुएशन बनेगी, हीमोग्लोबिन के साथ क्या सिचुएशन बनेगी, उसके बारे में क्वेश्चन है. बताओ जरा. क्वेश्चन की इंग्लिश जरा ध्यान से पढ़ो, तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं आना, पिटोगे बहुत. बता चल तू भाई. मीनिंग बता दो. मीनिंग यही है कि तुम गंजे हो, ठीक है, और तुम्हारे बाल उगाना उतने ही मुश्किल है, बस पूछो मत, है ना. चलो सुनो, आप क्या है, देखो, ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ फोटो आपका सिचुएशन फॉर हीमोग्लोबिन इफ PO2 रिमेन्स कॉन्स्टेंट. क्या PO2 का लेवल जो है वो फर्क डालता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में? ऑब्वियसली डालता है. PO2 हाई होगा या लो होगा वो डिपेंड करता है. मान लिया आपकी बात, ठीक है. अब आपने बोला कि इंक्रीज अगर CO2 लेवल होगा और डिक्रीज टेम्परेचर होगा, ठीक है. अब आपने बोला कि ये एल्वियोलाई था. अब ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ O2 सिचुएशन फॉर हीमोग्लोबिन, आपका हीमोग्लोबिन के लिए O2 की सिचुएशन कब हाई है? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन क्या लंग्स में होता है? तो क्या यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए सबसे अच्छी सिचुएशन कहाँ मिलती है तुम्हारी बॉडी में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छी सिचुएशन कहाँ मिलती है तुम्हारी बॉडी में? वहां पे तुम्हारा एक हेल्डेन इफेक्ट नाम की चीज हो रही थी, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हो रहा था, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टूट रहा था और हीमोग्लोबिन फ्री हो रहा था. वो तुम्हारी बेस्ट सिचुएशन थी जिसके बाद तुम्हारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा. वहीं से ये क्वेश्चन है. अच्छा लीवर क्या बोल रहा है भाई तू? आपका यहां पे क्या होगा कि अगर आपकी CO2 लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और टेम्परेचर क्या हो जाए, डिक्रीज. क्या लंग्स के ऊपर हेल्डेन इफेक्ट पड़ रहे थे, तब हमने बताया था ना PCO2 क्या होनी चाहिए, लो. PO2 क्या होना चाहिए, हाई. आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो. तो इसीलिए तुम्हारे लंग्स जो है वो सबसे, तुम्हारी बॉडी का सबसे कैसा होता है, कोल्डेस्ट पार्ट होता है ना. और इसके साथ साथ तुमने क्या बताया था, फोर्थ कंसेंट्रेशन क्या बताई थी, फोर्थ क्या था तुम्हारा, pH, वो भी कैसी होनी चाहिए थी, ठीक है, लो होनी चाहिए थी. तो यही चार कंडीशन तो बोल कि आपका PO2 हो जाएगा तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं. अगर इंक्रीज CO2 लेवल और डिक्रीज टेम्परेचर कर दोगे तो भी हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा PO2 जो तुम्हारा कॉन्स्टेंट हो गया है उसका सेचुरेशन, उसका आने नहीं देंगे, चिंता मत कर, फिर भी हम ऑक्सीजन को ले आएंगे अगर ये चार कंडीशंस के साथ काम करोगे. तो आपका PCO2 क्या चाहिए, डिक्रीज चाहिए आपको, ठीक है. चलो ध्यान से सुनो. ब्लड डोंट बिकम एसिडिक ऑल्दो इट कैरीज CO2 बिकॉज एसिडिक ऑल्दो इट कैरीज CO2 बिकॉज क्यों नहीं हो पाता? ये बेसिकली बात कर रहा है कि आपका ब्लड के अंदर क्या होता है, CO2 प्लस H2O मिलके कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देते हैं. यही तो करते हैं. क्या बना देते हैं तुम्हारा, कार्बोनिक. इतनी बात समझ आई,
यही तो बनाते हैं। तो आपका कार्बोनिक एसिड्स जो बनाते हैं, तो ब्लड डोंट बिकम एसिडिक, ये तो तुम्हारा एसिड है, फिर भी तुम्हारा क्या नहीं हो रहा, ब्लड ब्लड में आपका सीओ टू रेगुलर ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, सीओ टू रेगुलर आई जा रही है ब्लड में, फिर भी तुम्हारा ब्लड एसिडिक नहीं हो रहा, क्यों सोचो जरा। ऑप्शन देखो, सीओ टू इज कंटिन्यूअसली डिफ्यूज थ्रू टिश्यूज, अगर कंटिन्यूअसली डिफ्यूज करेगी तो तुम्हारा क्या बनता रहेगा, कार्बोनिक एसिड बनता रहेगा, तो इस बेसिस पे तो तुम्हारा ब्लड पूरा एसिडिक हो जाना चाहिए था, बट नहीं हो रहा। दूसरा ऑप्शन, सीओ टू कंबाइंस विद एच टू टू फॉर्म एच टू सीओ थ्री, ये भी ये तो मैंने बताया ही है कि इसकी वजह से तो एसिडिक होना चाहिए था तुम्हारा। तीसरा ऑप्शन है, इफ सीओ टू ट्रांसपोर्ट बफर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, सीओ टू ट्रांसपोर्ट में कोई बफर है, देखा तो तुमने कोई बफर, बताया था मैंने कोई बफर, नहीं बताया ना, तो ये तो स्टेटमेंट पता नहीं क्या है तुम्हारे लिए, तो पता नहीं क्या है एटलीस्ट, है ना। अगला है, सीओ टू इज एब्जॉर्ब्ड बाय डब्ल्यूबीसी, बताओ जरा, बताओ क्या होगा। पेट धरतूंगा मैं, डब्ल्यूबीसी से सीओ टू कब से जुड़ने लगी भाई, सीओ टू इज कंप्लीटली डिफ्यूज थ्रू टिश्यू, आपका टिश्यू आपकी कौन सी कैपिलरीज और लंग्स, वहां से भी तो डिफ्यूज आउट हो रहा है ना, तो सीओ टू का कंटिन्यूअसली क्या चल रहा है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, इसीलिए वो क्या नहीं बन रहा, एसिडिक नहीं बन रहा। अब ये एच टू सीओ थ्री बन तो रहा है मान लिया, लेकिन ये एच टू सीओ थ्री आपका वापिस टूट भी तो उसी में रहा है ना, सीओ टू प्लस एच टू इन लंग्स, और सीओ टू बाहर भी तो जा रही है ना, ये तो है ना कि सीओ टू तुम्हारा रुक ही गया, रुकता तो नहीं है, एक जगह पे जितना तुम्हारा एच टू सीओ थ्री बना, दूसरी जगह पे उतना ही तुम्हारा एच टू सीओ थ्री क्या हो गया, टूट भी गया ना, तो इसीलिए तो तुम्हारा है कि आपका ज्यादा एसिडिक नहीं हो रहा, पक्का। चलो अब क्या हुआ, ऑन हाई माउंटेन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज ड्यू टू, किसकी वजह से डिफिकल्टी होती है, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, क्या आपके पहाड़ों के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, नहीं होगी ना, आपका डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट कम हो जाएगा का, अमाउंट से हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना हमें पार्शियल, ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव, बताओ ए, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, हाई अमाउंट पे कम हो जाएगा, तो ये दो आपके क्या है कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो सकते हैं, बट इनमें से पार्शियल प्रेशर में आपका अमाउंट भी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, साथ में आपका पार्शियल प्रेशर का अमाउंट क्या हो जाता है थोड़ा सा ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए उसके ऊपर दिक्कत आती है। नेक्स्ट, जब आप बोलते हो व्हाट इज बोहर्स इफेक्ट, बोहर इफेक्ट क्या है, ये जो मैंने बताया वो आपका हेल्डेन इफेक्ट था, अब सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपका बोहर इफेक्ट, क्या बताया था, अब बोहर इफेक्ट क्या होता है बताओ जरा, बोहर इफेक्ट में आपने बोला कि भैया एक आपका क्या है एल्वियोलाई, एक आपके क्या है ब्लड कैपिलरीज, एक आपके क्या है टिश्यू, आप टिश्यू के ऊपर जो है यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके टूटता है, उसी को आप बोर इफेक्ट बोल रहे थे, तो उसकी आपकी चार कंडीशन थी, क्या क्या, कि पीसीओ टू आपकी हाई होनी चाहिए, पीओ टू आपकी लो होनी चाहिए, पीएच आपकी कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए साथ में टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए, यही बोला था ना, पीएच आपका ठीक है हाई होना चाहिए, तो आपका अगर रेज इन पीसीओ टू कर दोगे और फॉल इन पीएच कर दोगे एंड द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन से कोई फर्क पड़ता है, डिक्रीज इन पीसीओ टू, रेज इन पीसीओ टू और इंक्रीज इन पीएच और डिक्रीज इन द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द मेन करेक्ट, ठीक है, पीएच को क्या करना है इंक्रीज करना है, क्या करना है आपका, ठीक है, तो यहां पे क्या दे दिया था फॉल इन पीएच, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ओके पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, इन आपकी चार स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, आपकी ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कैरी आउट होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है,
ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज. कार्बोनिक एनहाइड्रेज किसको लेके जा रहा था? कार्बोनिक एनहाइड्रेज था क्या? जब तुम्हारा CO2 अटैच हो रहा था, क्या बना रहा था? H2CO3. इसको बोल रहे थे हम कार्बोनिक एसिड, याद आया? तो कार्बोनिक एसिड को बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही तो चाहिए. सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर भी तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का है, याद आया? तो जब हमने बताया था कि यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो आपका टर्नओवर नंबर शो करता है. कैसे करेगा? कि आपका जब आपका क्या हो रहा है, CO2 आपका अटैच हो रहा है किसके साथ? H2O के साथ. जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है तो आपके क्या होते हैं, आपके क्या बनेंगे? आपके अराउंड 5000 मॉलिक्यूल बनते हैं इन ए मिनट, 2000 मॉलिक्यूल सॉरी. ठीक है, आपका वहीं पे जब आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगेगा तो 500000 मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बोनिक एसिड के पर सेकंड. इतना ज्यादा टर्नओवर नंबर बढ़ा देता है. ओके चलो, अगला क्या है? CO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन. यस, CO2 भी कैरी आउट होती है. अगला SO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन. क्या ये स्टेटमेंट सुनी है कभी? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई. ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई. ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? करेक्ट. ओनली ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड. इनकरेक्ट. आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, आपकी कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है. अब ओनली CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ये भी क्या हो गई? तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट एंड पक्का. चलो अगला है, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन विदाउट एनी एफर्ट वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इज कॉल्ड. मुझे पता था ये वाला आपके बच्चे ऐसे डाउट्स भेजेंगे. देखो अब सुनो, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन एक्टिविटीज की जब आप बात करते हो, किसकी बात करते हो? नॉर्मल रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज की, तो तुम क्या देखते हो? जो आपकी नॉर्मल रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज हैं तो उनमें तुम क्या देखते हो बताओ? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. नॉर्मल जो आपकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज हैं, रेस्पिरेटरी जो एक्टिविटीज हैं उसमें तुम इनहेल देखते हो एंड एक्सहेल देखते हो. क्या देखते हो? दो ही चीजें देखते हो, एक तो इनहेलेशन देखते हो, एक तो एक्सहेलेशन देखते हो. पक्का? अब इनहेल एंड एक्सहेल का जब चक्कर पड़ता है तो आपने बोला था कि सबसे पहले कि आपकी एक वॉल्यूम होती है जिसको हम बोलते हैं कि जब आप रेस्ट में बैठे हो तब आपका क्या करेंगे, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे. ये ठीक है, तो नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल के अंदर आपका 500 ml ऑफ क्या हो रहा था, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था. ओके, इसको हम बोल रहे थे टाइडल वॉल्यूम. क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, याद आया? इसके ऊपर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नीचे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम है ना. तो आपकी नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल जब चल रहा है तो आपका क्या हो रहा है, टाइडल वॉल्यूम. अगर पर ये आपका था 500 ml फॉर वन इनहेल एंड वन एक्सहेल, मतलब वन रेस्पिरेटरी प्रोसेस, तो आपका टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगर एक मिनट के लिए पूछा जाए तो एक मिनट में होते हैं 12 टू 15 रेस्पिरेटरी रिदम्स, तो 12 पंजे 60, 6000 टू 8000 ml ऑफ टाइडल वॉल्यूम आप क्या कर लेते हो, एक्सचेंज कर लेते हो. ठीक है, तुम एक मिनट में 6 लीटर से 8 लीटर तक गैस को क्या कर सकते हो, इनहेल एक्सहेल कर सकते हो. ओके चलो, आप देखो नेक्स्ट जब आप बात करते हो तो ये आपका क्या आ गया, तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम. कौन आ गया? टाइडल वॉल्यूम. चलो नेक्स्ट जब तुम बात करोगे तो क्वेश्चन है तुम्हारा
कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम्स इन अकॉर्डिंग्स टू देयर लोकेशन. किसकी बेसिस पे? लोकेशन पे. देखो आपका गिवन बिलो, आपका सबसे पहले बोला गया पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स. क्या है तुम्हारा? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इन अकॉर्डिंग टू लोकेशन. अगला है तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ ग्लोटिस. दूसरा है इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस. चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग. आपका कौन सा रीजन आएगा डिफरेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इन अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन गिवन बिलो. ठीक है, आइडेंटिफाई करो कि आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स पे क्या मिलेगा, ग्लोटिस पे क्या मिलेगा और ईसोफेगस पे क्या मिलेगा. सबसे पहली बात आ गई तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ ग्लोटिस. जब आप क्या कर रहे थे, है ना, यहां पे तुमने बताया कि आपका जब ये स्ट्रक्चर किया था तुमने ऐसे, है ना, इसी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है कि ये था तुम्हारा एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, ये थी तुम्हारी नेजल कैविटी, ये था तुम्हारा एक रीजन. ठीक है, दिस विल बी योर फैरिंग्स रीजन. ठीक है, फैरिंग्स रीजन के सामने आता है तुम्हारा, यहां पे दो ओपनिंग्स होती है, एक ईसोफेगस एक ट्रैकिया. यहीं से पूछे गए हैं तुम्हारे तीन क्वेश्चन. कि एक तो पहला क्वेश्चन जो तुमसे पूछा वो था आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स. पोस्टीरियर फारुंग्स पार्ट ऑफ फेरिंग्स क्या है? ये वाला, पहली बात, पोस्टीरियर पीछे वाला. दूसरा तुम्हें पूछा गया प्रेजेंट एट द ग्लोटिस. ग्लोटिस क्या है? दिस इज योर ग्लोटिस. ग्लोटिस आप बोलते हो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को. किसको बोलते हो? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप या ट्रैकिया को आप ग्लोटिस बोलते हो. तो ग्लोटिस के सामने जो है वो आपका क्या होगा? दिस इज योर एपिग्लोटिस. क्या है तुम्हारा? एपिग्लोटिस है. ठीक है, अब तीसरा आपका क्या है? इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस. जस्ट बच्चे एक सेकेंड होल्ड करो. ओके बच्चे चलो, अब इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस क्या आ गया? ईसोफेगस के सामने ये क्या आ गई तुम्हारी? विंड पाइप आ गई, जिसको तुमने क्या बोला? ट्रैकिया बोल दिया. ओके, तो जरा देखो इन पार्ट्स को क्या आएगा. इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस तुमने बोला ट्रैकिया, तो ट्रैकिया यहां पे है, ट्रैकिया यहां पे है, मतलब ऊपर वाले दोनों क्या हो गए? कैंसिल. ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, तो ये ऑप्शन भी कंसिडर होगा. अभी ये तीन ऑप्शन हो गए. दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा प्रेजेंट एट द ग्लोटिस. ग्लोटिस के ऊपर क्या मिल रहा था तुम्हारा? ग्लोटिस के ऊपर तुम्हारा एपिग्लोटिस मिल रहा था, ये दिस पोर्शन लीफ लाइक, है ना. तो आपका एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस एक दो और उन दोनों में नहीं है, तो आपके सिर्फ कितने हो गए? दो कंसीडर हो गए. ओके, तीसरा था आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स. फेरिंग्स के पोस्टीरियर पार्ट पे क्या मिलता है? लैरिंग्स मिलते हैं. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे इसका? दिस इज योर साउंड बॉक्स ना, यहाँ पे आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स का नेजो फेरिंग्स, तो नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स हो गया. अब पोस्टीरियर पोर्शन पे यहाँ पे आपका साउंड बॉक्स मिलता है. पक्का? चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा. आपका द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू डिफ्यूजन. जो आपके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है बच्चे, वो क्या करते हैं? फैसिलिटेट करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू डिफ्यूजन. ऑक्सीजन एंटर्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू डिफ्यूजन. ऑक्सीजन क्या करेगा आपका? एंटर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में थ्रू डिफ्यूजन. बिकॉज कैसे? सोचो कि आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है, दैट इज योर एल्वियोलाई मेम्ब्रेन, वो फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू डिफ्यूजन. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है.
अब ऑक्सीजन एंटर द डिऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू डिफ्यूजन बिकॉज, किसकी वजह से? ऑप्शन देखो, बड़ा सिंपल सा है भैया। पहला है चारों में पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि चारों में से आपका क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट ही आएगा। अब अगर यही है ना कि आपका ये वाला पोर्शन, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या था, एल्वियोलाई के अंदर क्या था, 104 mmHg, यहां पे कितना था ऑक्सीजन आपका, 40 mmHg, यही था। यहां पे आपका 45 आपका CO2 का था, यहां पे आपका कितना था, 40 आपका CO2 का था, ये ऑक्सीजन का था, यही तो था। कोई दिक्कत परेशानी, किसका था आपका, ऑक्सीजन का, ये आपका ऑक्सीजन का। तो देखो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एल्वियोलर एयर एंड कैपिलरीज इज 40 mmHg एंड 100। इसने उल्टा बोल दिया बेसिकली, एल्वियोलाई में कितना है, 104 एंड तो 100 में, तो इसने बोल रखा है कि आपका कैपिलरीज में आपका 100, ऐसा है क्या, तो आपका ये क्या हो गया। दूसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर एंड कैपिलरीज इज 100 एंड, तो ऑक्सीजन का कितना है, 40, यहां पे 100 में है, तो ये कह रहा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर एंड कैपिलरीज इज 46 तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, 45 होता है ना। अगला फिर से, तो ये भी क्या हो गया, ओके, तो इसमें आपका क्या था, आपका पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी आपको। वैसे ये 100 नहीं, 104 होना चाहिए था इन मोर करेक्ट वे में, ठीक है, यहाँ पे 104 मोर करेक्ट होता, ओके। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट जब आप देखते हो तो चलो जो जिसने ये क्वेश्चन कर दिया, एक चॉकलेट मेरी तरफ से, बड़ी वाली डेरी मिल्क, चलो बताओ। विद रीजन देना है ऑफ कोर्स, ये नहीं कि कुछ भी तुक्का मारो, अब ABCD करके बैठ जाओ तुम, ये बोल दो कि पाई बाई बांट लेंगे सारे, है ना, चॉकलेट को, ऐसे नहीं चलेगा। इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसका कोई रोल ही नहीं है, मतलब जिस जो महत्वपूर्ण नहीं है, यस उसी का बताना है। सोचो सोचो, SO2, चलो भाई SO2 क्या सोच के किया तुमने, अरे गधे, रेस्पिरेटरी रिदम में पूछ रहा है, तुम्हारी बॉडी में नहीं पूछ रहा। रेस्पिरेटरी रिदम क्या होती है और तुम्हारी बॉडी के अंदर रोल जो है वो अलग अलग है। पहली बात, रेस्पिरेटरी रिदम में आ गया वो तुम्हारी बॉडी में डिफ्यूज आउट हो गया, तो SO2 तो तुम्हारी बॉडी में डिफ्यूज आउट नहीं होती, तो उसका तो बॉडी में डिफ्यूज आउट नहीं हुई तो रेस्पिरेटरी रिदम के पास तो जाएगी नहीं। तुम्हारे ब्रेन में एक पोर्शन होता है जो तुम्हारे रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है, हाँ तो बताओ। मतलब वो गैस तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट होनी चाहिए, सीधी सिंपल सी बात ही है, तभी तो रेस्पिरेटरी रिदम्स को कर पाएगी। तो SO2 तो वैसे ही नहीं होती, तो उसका तो वो तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए।
सोचो देख लो तो, इसीलिए थोड़ा तो ऐसे ही थोड़ी ना चॉकलेट दे दूंगा, पैसे खराब करूंगा मैं तुम्हारे पास है? बताओ आप रेस्पिरेटरी रिदम के ऊपर तुम्हारा कौन सी गैस का रोल ही नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। रेस्पिरेटरी रिदम इज बेसिकली तुम्हारा जो इनवॉलंटरी एक्शन है ना, जो तुम बिना कुछ किए, बिना लंग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिए तुम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, नॉर्मलाइज है ना तुम्हारे लिए इनहेल एक्सहेल करना। तुम भागने लग जाते हो वो अपने आप तेज हो जाता है, तुम स्लो डाउन हो जाते हो वो अपने आप स्लो डाउन हो जाता है, तुम्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वो इनहेल एक्सहेल बढ़ा देगा, यही तो होता है पक्का। N2 तेरे ब्लड के अंदर मिलती है, अब तो ऑप्शन ही सारे हट गए है ना। करेक्ट आंसर इज होनी चाहिए, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, होनी चाहिए ना आपके ब्लड में होनी चाहिए, बट उसका रेस्पिरेटरी रिदम में कोई रोल नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तुम्हारे ब्लड में होगी बट उसका रेस्पिरेटरी रिदम, जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी रिदम है ना, इनहेल एक्सहेल, भागने लग गए तो इनहेल एक्सहेल कम हो गया, ज्यादा हो गया सॉरी, इनहेल और एक्सहेल का टाइमिंग रिड्यूस हो गया, भागने लग गए तो ये चीज होने लग गई, वरना नॉर्मल ये चल रहा है। तो इसमें आपका ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं, इसमें रोल होता है तुम्हारा CO2 का, इसका रोल होता है CO2 का रोल होता है तुम्हारा सारा का सारा। CO2 आपका क्या करता है, एसिडिक गैस प्रोड्यूस करता है जो आपके बाइकार्बोनेट आयंस बनाते हैं, उन बाइकार्बोनेट आयन को सेंस करता है तुम्हारा रेस्पिरेटरी रिदम है ना। तो बाकी किसका रोल नहीं है, O2 का रोल नहीं है पक्का। चलो ध्यान से, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चे जिसने भी भेजा। ओके चलो, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स। ओके आपके लंग्स की वाइटल कैपेसिटी क्या है, इंस्पिरेटरी रिदम वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम आपकी वाइटल पूछा है। वाइटल कैपेसिटी क्या है आपको हम बताते हैं कि आपका टाइडल वॉल्यूम, ये थे तुम्हारे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये थे तुम्हारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रिजर्व वॉल्यूम। तुमने बोला था वाइटल, वाइटल मतलब जिंदा रहना, तो जिंदा रहने के लिए तो बहुत कुछ जरूरी है ना, इनहेल भी जरूरी है, एक्सहेल भी जरूरी है, नॉर्मलाइज भी जरूरी है, सीढ़ियां चढ़ना भी जरूरी है, सामान उठाना भी जरूरी है, वर्कआउट भी जरूरी है, एवरीथिंग जरूरी है। तो आपका लॉन्ग इनहेल, फोर्सफुल इनहेलेशन भी जरूरी है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन भी जरूरी है। तो ये यहां से लेके तुम्हारा यहां से लेके यहां तक का, ये तुम्हारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, है कि नहीं। तो इसमें क्या आ गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गई, टाइडल वॉल्यूम आ गई, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गई। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये प्लस ये भी तो है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगला टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी ये है, इसमें से माइनस कर दिया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, तो क्या तुम्हारी वाइटल आ गई, नहीं आई। अगला है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी को कर दो प्लस एक्सपिरेटरी को कर दो, बीच में टाइडल वॉल्यूम तो रह गई, ये भी क्या हो गया, सॉरी ये क्या हो गया गलत, ये भी क्या हो गया गलत, बचा कौन, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल, तो तुम्हारे क्या बच जाएगी, समझ गया पक्का। तो आपको क्या मिली, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम मिली, ये लो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू,
कौन सी स्टेटमेंट जो इनमें से ट्रू है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बताओ जरा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नॉट ट्रू है बच्चे, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। अगला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज 104, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95, बताओ जरा कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट। पार्शियल प्रेशर के कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में एक टेबल है, टेबल की टेबल के अंदर से क्वेश्चन डाला गया है। सोचो जरा, क्या ए ऑप्शन नॉट ट्रू? अभी अभी कराया था, अभी अभी बताया था मैंने, यहां पे आपका एल्वियोलाई ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी में डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, तो उसमें बताई थी हमने 40 ऑक्सीजन की, 45 CO2 की, यहां पे हमने बताया था 104 ऑक्सीजन की आपकी, 40 CO2 की। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर O2 की कितनी थी? 40, स्टेटमेंट करेक्ट है भाई वो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां जब ऑक्सीजनेटेड बन के जाएगा तो 95 टिश्यू के पास पहुंचेगा, तो यहां टिश्यू की 40 होती है O2, ये O2, तभी तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करेगी, तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में कितना होता है? 104, ये भी करेक्ट है। बच गया कौन? ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, तो इन दोनों में से ही गलत होगा एक। अगर तुम्हारा ये सही है तो फिर ये तुम्हारा गलत हो गया। इजी पीजी, पक्का? चलो हाँ, 40 40, हाँ ठीक है। एक्स बाहर वाली जो एक्सपायरेटरी एयर थी, एटमोस्फेरिक एयर, उसमें 0.3 होता है भाई, 45 होता है, 95 नहीं, 45, ध्यान से पढ़ो थोड़ा, ठीक है। व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमन, आरबीसी के बारे में ट्रू क्या है? दे कैरी अबाउट 20 to 25, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट याद करने वाले हैं बच्चे, 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी किस फॉर्म में लेके जाएगा? कार्ब अमीनो HB की फॉर्म में, वो 20 to 25% होता है, यस। ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजन ओनली एंड रेस्ट 20% ऑफ इट ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा। आपका दे डोंट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल, क्या आरबीसी का हीमोग्लोबिन के साथ रोल नहीं होता? होता है। क्या आपका हीमोग्लोबिन का CO2 से कोई लेना देना नहीं है, कार्ब अमीनो बनता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सरासर क्या हो गई? गलत, ठीक है। आपकी ट्रू अबाउट आरबीसी बताना है तो आपकी पहली स्टेटमेंट ही क्या हो गई? ट्रू। अगर इसको ट्रू करना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा 97%, 99.5 नहीं, 97%। यहां पे 80% ऑफ ऑक्सीजन नहीं, 97%, और यहां पे कितना करना पड़ेगा? 3%, तब ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी। ये भी स्टेटमेंट गलत है और ये भी। चलो अब अगला है, कीमो सेंसिटिव एरिया के बारे में क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है तुम्हारा? कीमो सेंसिटिव एरिया के बारे में क्वेश्चन है। कीमो सेंसिटिव एरिया के बारे में क्या बोल रहा है? सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर इन द ब्रेन द एरिया इज हाईली सेंसिटिव टू। एरिया किस चीज के हाईली सेंसिटिव है?
कीमो सेंसिटिव एरिया आपकी जो रेस्पिरेटरी रिदम्स के लिए, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के अंदर बोला गया था ना, किस गैस को जिसके लिए तुम्हें तुम्हें डेरी मिल्क दे रहा था, उसे मैंने बताया CO2 है ना। तो CO2 मिलके क्या बना रहा था, CO2 जो है वो तुम्हारा क्या दे रहा है, H2O के साथ मिलके क्या दे रहा है तुम्हें, H2CO3 दे रहा है, कार्बोनिक एसिड दे रहा है ना। तो कार्बोनिक एसिड फिर से टूट रहा है बाई कार्बोनेट आयंस में, जिनको डिटेक्ट तुम्हारा, इन केमिकल को डिटेक्ट तुम्हारा कौन कर रहा है, कीमो सेंसिटिव एरिया। ठीक है, अब एरिया इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 कंसेंट्रेशन, O2 कंसेंट्रेशन, H पॉजिटिव या A एंड C, बताओ जरा। CO2 की कंसेंट्रेशन के लिए, किसके लिए है तुम्हारा, CO2 और H पॉजिटिव दोनों, तो बोथ A एंड C आएगा। ओके चलो, अब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन, वही तो क्वेश्चन है ये, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट वाला, सेम है बस स्टेटमेंट चेंज है। आपका वोकल कार्ड सकरिन कहाँ होते हैं, साउंड बॉक्सिस को बोलते हो, लैरिंग्स को, तो वोकल कॉर्ड्स भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, लैरिंग्स में। टोटल लंग कैपेसिटीज, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ, कैसा है, अभी अभी बनाया था डायग्राम, आरवी प्लस, अरे भाई सारे तो के, ये था तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम, ये था तुम्हारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये था तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये था तुम्हारा रिजर्व वॉल्यूम, अब ये था तुम्हारा टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। अब तो टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में पूछा है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट, सारी वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो गई, एकोमोडेट हो गई, यही तो है टोटल लंग कैपेसिटी। अब इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, फोर्स्ड आपका नॉर्मल से लेके बिल्कुल रिजर्व वॉल्यूम से लेके फोर्स्ड इंस्पिरेशन तक, वो सारा क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी है, बिल्कुल सही तो स्टेटमेंट है। अगली आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस, बिल्कुल सही तो स्टेटमेंट है। फिर अगली वाइटल कैपेसिटी, ये हमने वाइटल कैपेसिटी बताई थी ना जिंदा रहने के लिए, प्लस आरवी, वही तो बोला है, क्या हो गया। ठीक है चल नेक्स्ट देखो, इन द डायग्राम गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन द फंक्शंस परफॉर्म्ड, अच्छा इसका डायग्राम नहीं, यार ये कौन सा बच्चा है, आपका क्वेश्चन भेज दिया डायग्राम नहीं भेजा, गधा। इन द डायग्राम कौन सा हो सकता है इसमें, द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ए बी एंड सी, ए डिफ्यूजन ऑफ O2 इन O2 टू ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ CO2, एक्सचेंज ऑफ, इसमें शायद यही मिलेगा डायग्राम, शायद यही वाला। ठीक है, ए आपका सेलेक्ट द, सेलेक्ट अमंग ए बी सी विच वन इज करेक्टली मैच्ड विद, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, अब डायग्राम में पता नहीं क्या दिया होगा, वैसे डायग्राम यही वाला मिलेगा बच्चे, आपका ए जो है ठीक है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, अब पता नहीं बच्चे किस, ये डायग्राम तो यही मिलेगा बट डायग्राम में क्या दिया है वो नहीं समझ आ रहा। ठीक है, एक बार बच्चे अगली बार दोबारा भेजना इसको विद डायग्राम भेजना, जिसने भी भेजा ये क्वेश्चन। अगला है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां मिलता है, नन ऑफ दीज, आपका ब्लड में मिलेगा, प्लाज्मा में मिलेगा, या इन दोनों में से किसी में नहीं मिलेगा, या इन दोनों में मिलेगा, सोचो। आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो आपका H2O प्लस CO2 को आपका H2CO3 बना रहा था, याद आया, वो आपके ब्लड के प्लाज्मा में मिलता है, और प्लाज्मा इज कंपोनेंट ऑफ योर, पक्का, तो बोथ एंड इजी पीजी। अगला प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फेरिक विद एटमोस्फेयर विद डैश प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड डैश एंड विच इज कॉमनली नोन एज डैश, बताओ क्या क्या हो सकता है। आपका प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से O2 को एक्सचेंज करना है, बताओ
एनसीईआरटी की लाइन है ये, ऐसे की ऐसे। कौन सा? गधों ऑप्शन देखो, 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखो, रेस्पिरेशन 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 रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग 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 एंड, तो बी और सी में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना। अब ए में क्या है? एक्सचेंज बोला है, तो एक्सचेंज ओ टू का और सीओ टू का होता है। स्टिक करो ना फिर, है ना गधे। 5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था क्या? अरे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फियर विद CO2, CO2 जो प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, आपकी बॉडी टिश्यूज, बॉडी की सेल्स CO2 नहीं प्रोड्यूस करते। चलो, आपका ब्रीदिंग सेंटर इनिशिएट द वेंटिलेशन इन रिस्पॉन्स टू, चलो बताओ भाई, मैं 2 बार बता चुका हूं इसका आंसर। सोचो, अरे भाई वहीं तो है रेस्पिरेटरी रिदम वाला, कि रेस्पिरेटरी रिदम आपका ब्रीदिंग सेंटर, उसके पास तीनों इकट्ठे तो प्रेजेंट होते हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया, CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो CO2 के अगर CO2 बढ़ गई, HCO3 नेगेटिव बढ़ गया, तो आपका ब्रीदिंग सेंटर भी क्या हो जाएगा, इनिशिएट कर देगा वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब जल्दी जल्दी फटाफट CO2 को बाहर निकालो, फटाफट इनहेल एक्सहेल करो, फटाफट ऑक्सीजन को अंदर लेके आओ। सो सिंपल है ना। थोड़ी भाई इंग्लिश की क्लास ले लो तुम पहले। तो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू आर बेस्ड अपॉन, किसके ऊपर बेस्ड है बोलो? अरे भाई ओस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नाम की कोई चीज पढ़ी है तुमने? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नाम की चीज पढ़ी है, बट क्या उसका आपका एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 से लेने देना था? टाइडल वॉल्यूम का लेना देना था? नहीं था, तो बच गया कौन? पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन हाई टू लो ही जाती होगी गैस, पार्शियल प्रेशर हाई टू लो ही जाती होगी गैस। वही आपका व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है बता दो जरा। अगर आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनानी है तो आपको फेवरेबल कंडीशंस क्या लगेंगी? हाई PO2 यस, लो PCO2 यस, लो पी यस, दिस इज योर हेल्डेन इफेक्ट। अगला When a sea diver, ये क्वेश्चन जो मेरे को जवाब दे देगा उसको एक मंच बड़ी वाली। चलो, सी डाइवर गोज वेरी डीप, तुम देखो भाई, अब मैं नहीं देख रहा।
सोच लो। तुम्हें हिंट दिए गए हैं दो क्वेश्चन के अंदर, हिंट्स हिंट्स ढूंढो। डूबना। डी क्यों? डी क्यों रॉन्ग है? डी चलो ठीक है तेरा। हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई तुक्का मार लिया, एलिमिनेशन कर लिया, बट चलो ठीक है। आंसर इसमें क्या है आपका, नाइट्रोजन का डिफ्यूज होने का तो बात बनता ही नहीं है कुछ। नर्वस सिस्टम तो हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ओके। नर्वस सिस्टम तुम्हारा काम करता है। अगला है कॉम्प्रेस एयर। अब क्या हो रहा है, जितना तुम डीप जाओगे, ये तुम्हारी यहां से तुमने बोट थी एक तुम्हारे पास, वहां से तुमने छलांग लगा दी, अब तुम डीप जाते जा रहे हो, यहां पे पहुंच गए ओके। अब यहां पे पहुंच गए, तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा वाटर का प्रेशर तुम्हारे ऊपर है, जिसके इतना प्रेशर हो जाता है कि तुम, आपकी चेस्ट जो है वो प्रॉपर प्रेस हो जाएगी, तुम्हारे इंटरकोस्टल मसल भी क्या नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते। तुम कोशिश करोगे मास से इनहेल करने की, बट इनहेल हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मसल प्रेस्ड हो गई है, पूरी थक चुकी है वो, इसीलिए सूट पहनाते हैं, प्रेशर सूट पे लगे अंदर ठीक रहे, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या होगा, अब जितना ज्यादा मसल तुम्हारी थकेंगी उतना ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करेंगे, तो आपका जो स्ट्रेंथ है वर्क करने का, उसमें आपको साथ में कॉम्प्रेस्ड एयर और एट हाई प्रेशर क्यों देते हैं, ताकि हाई प्रेशर बाहर से जो गैस आएगी ना, जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें हाई प्रेशर डाल रखा है, ताकि तुम्हारा हाई प्रेशर की वजह से गैस क्या हो जाए, अंदर तक चली जाए, समझ गए। व्हाट इज कॉल्ड हैमबर्गर शिफ्ट? क्लोराइड शिफ्ट। ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है सारे, ठीक है। चलो बच्चे आज के लिए इतने ही डाउट्स थे सबके, बाकी और किसी के डाउट्स है तो भेज सकता है, ठीक है, हम एक सेशन ले लेंगे और फिर से। चलो आप आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।